आज हम आपको द्राज की रिलिंग लगाने का बिल्कुल तरीका बताएंगे। ये देखें, हमने प्रॉपर तरीके से ये द्राज चला लिया है। अब हम इसको निकालेंगे और इसकी रिलिंग निकाल कर आपको बिल्कुल तरतीब के हिसाब से इसकी घुमाइश तरीका का सब हम बताएंगे। इसको निकाल लेना, इसके साइड पर उसको आपने दबा कर रिलिंग को बाहर निकाल लेना है। ये वाले रिलिंग दराज की जितनी प्वाइंश आपकी है उसके सेंटर में आपने प्वाइंश करके इसके स्क्रू लगा देने हैं। ये देखें, इसकी प्वाइंश 7 इंच 2 सूत्र है। इसको ये देखें, यहाँ पर हमने स्क्रू लगा दिए हैं। ये हम आपको खोल के दोबारा लगा के बताएंगे। ये देखें, ये उतार ली। अब इसकी घुमाइश देखें, इसका आधा हिस्सा कर लेना 7 इंच 2 सूत्र का, इसका आधा हिस्सा 3 इंच 5 सूत्र है। इधर भी इसी तरह, इधर भी इसी तरह लगेगी। ये देखें, यहाँ पर ये लाग होते हैं दो, इसको ऐसे दबाएंगे तो आपका दराज बाहर निकलेगा। ये हमने फिर वापस आपको दिखाने के लिए उतारी थी, अब हम आप इसको लगाकर हम बताएंगे। इस पर यहाँ पर स्क्रू लगा देने हैं हम आपने। ये देखें कितने सराख आपको कंपनी ने दिए हैं। चार मुंह वाला पेच कस लें और इसको अच्छे से फिट कर लें। ये फिटिंग हो गई है, स्क्रू फिट करें। ये देखें, जहाँ पर 8 इंच 2 सूत्र का गैप मौजूद है, इसका आधा हिस्सा करके ये वाली आपने बिल्कुल सीधी तरीके से लगा देनी है इसका हिस्सा। और ये दराज को रिलिंग फिट हो चुकी है। अब इसको एक साइड से फिट करना है और फिर दूसरी साइड से फिट करके आपने इसको दराज को अंदर फिट कर देना है। ये देखें दराज की फिटिंग, हमने आपको फिटिंग का तरीका और गोली वाली रिलिंग उसका तरीका हमने बता दिया है। ये वाली रिलिंग बाजार से आपको 22 रुपये 1 इंच मिल जाएगी। ये रिलिंग आप देख लें, ये इसके लाग हैं। ये वाले एक दबाएंगे आप तो इसको आप बाहर खींच सकते हैं। ये देखें, ठीक है। और अब इसको डालने का तरीका, यहाँ पर आपने एक साइड फिट करनी है पहले, ये ऐसे, दूसरी साइड इसी तरह आपने इधर से फिट करके आपने इसको धक्का लगाना है और आपका दराज बिल्कुल अच्छे से फिटिंग हो गया है। आपके दराजों की रीलिंग ख़राब है तो आप बाज़ार से लेकर ऐसे ही फिट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और आप वीडियो को लाइक करिएगा और घंटी के बटन को आप ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको अगली आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। शुक्रिया।